कितने पाए थी छोटी? 9:40 पे। 9:40 पे आई थी और एंट्री कितने बजे है? 9:30 पर है। तो सिर्फ 10 मिनट लेट किए हैं आप, तो सिर्फ 10 मिनट के लिए नहीं आपको एंट्री मिला, जाके वापस भेज दिए। यहाँ पर 9:05 AM पर, 9:05 AM पर जो है ये आपका मैसेज फॉरवर्ड हुआ है। तमाम परीक्षाओं का समय चल रहा है और अभी इंटर की परीक्षा संपन्न हुई और आज 17 फरवरी है और आज बक्सर के लगभग 15 केंद्रों पर जो है मैट्रिक की परीक्षा आयोजित की गई है। और अभी हम मौजूद हूँ संत मैरी उच्च विद्यालय पर, जहाँ पर कि मैट्रिक का एग्ज़ाम सेंटर पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक बच्ची जो है लेट हो गई है। और कितना लेट हुई आपके घर गार्जियन इसके? हाँ थोड़ा सा आइए भाई साहब इधर ही। क्या मतलब एंट्री क्यों नहीं मिल रही लड़की को? अरे सर थोड़ा 10 मिनट लेट हो गई इसीलिए। और क्या कितने पाए थी छोटी? 9:40 पे। 9:40 पे आई थी और एंट्री कितने बजे है? 9:30 पर है। तो सिर्फ 10 मिनट लेट किए हैं आप, तो सिर्फ 10 मिनट के लिए नहीं आपको एंट्री मिला, जाके वापस भेज दिए। क्या क्या वजह क्या बताए? बोले कि लेट हो गई हो तुम, तुमको अंदर नहीं लेंगे। अंदर गई थी आप? हाँ अंदर से बाहर भेज दिए। तो आप देख सकते हैं नाम क्या है छोटी आपका? सपना कुमारी। ये लड़की सपना, इस लड़की का नाम सपना कुमारी है और विद्यालय का नाम क्या है? गांधी स्मारक उच्च विद्यालय धनसोई का। ये धनसोई में एक हाई स्कूल है उसमें पढ़ती है और बता रही है कि 9:30 पर जो है लास्ट टाइम है, लेकिन 9:40 पर लड़की आई है और 10 मिनट का सिर्फ अंतर रहा है। और आप देख सकते हैं कि पूरा जो है यहाँ पर जो है दरवाज़ा जो है बंद कर दिया गया है और इस लड़की को एंट्री नहीं मिल रही है सिर्फ 10 मिनट के लिए। अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है और जो भी परीक्षार्थी अगर परीक्षा देने वाले हैं, तो आप लोग ये गलतियाँ ना करें ताकि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाए अगर आप काम ऐसा करिएगा। तो आप लोग क्या करें इसके लिए? बात किए इसके यहाँ के जो प्रिंसिपल? इसके लिए तो हम लोग बात किए हैं, तबर भी लोग कोई नहीं सुन रहा है। क्या रिस्पांस दे रहे हैं लोग? अब दे रहे हैं कि अब एंट्री नहीं होगा, यही तो बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि देखिए करवा दीजिए, लड़की 9:40 पर आ गई थी और यहाँ एक लड़की भी थी जो कि 5 मिनट पहले लेट आई थी, लेकिन उसको कर दिया गया। जब ये लड़की आई 10 मिनट लेट, तो इसको बोल दिया गया, ये सब बोला कि नहीं आप एंट्री आपका नहीं होगा। तो आप लोग क्या कर रहे हैं अभी? अभी तो हम लोग सोचेंगे कि इनका काम हो जाए। तो दर्शकों जैसा कि आपको मालूम है कि लगातार एंट्री ना देने का सिर्फ एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर में परीक्षार्थी प्रवेश कर रहे हैं तैसे ही जो है वायरल जो एंसर शीट होता है वो हो जा रहा है। अभी कैमरा पर्सन को अगर दिखाई दे रहा थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये जो है जब हम ये आपको वीडियो शूट कर रहे हैं तो 10:47 हो रहा है और आप देख सकते हैं कि ये जो है वायरल हो जा रहा है और शायद यही वजह है कि यहाँ पर जो है एंट्री नहीं दे रही है। और ये डीओ साहब हैं अभी प्रवेश किए और इन लोगों को रोकने के बावजूद भी वो नहीं रोके, जैसे इनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो तमाम बहसों के बाद जो यहाँ के डीओ साहब हैं अभी एंटर किए और उस डीओ साहब से जब हमने बात करी तो उस अंततः उस लड़की का एंट्री मिल गया है। और आप देख सकते हैं कि जो भी विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस तरीके से आप गलती ना करें जिस प्रकार की लड़की गलती की है। लेकिन एक चीज़ और हम आपको वजह बताते हैं कि एंट्री ना मिलने का एक और वजह है कि आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से परीक्षा हो रहा है और परीक्षा से पूर्व जो है आधा घंटा पहले एक घंटा पहले जो है पेपर रिलीज हो जा रहा है और इसका नतीजा ये है कि आप देख सकते हैं कि कैमरा पर्सन थोड़ा सा दिखाइए, ये मेरे पास ये ग्रुप है आपको दिखाना चाहेंगे, बक्सर स्टडी ग्रुप है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो दिखा दीजिए। ये बक्सर स्टडी ग्रुप है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक पेपर है जो कि रिलीज हुआ है और ये पेपर देखिए एंट्री टाइम है 9:30 पर मैक्सिमम और ये 9:05 है। अगर टाइम आपको शो हो रहा है तो थोड़ा सा दिखाइए, यहाँ पर 9:05 AM पर, 9:05 AM पर जो है ये आपका मैसेज फॉरवर्ड हुआ है। लेकिन देखिए जब भी BSAB का ये जब एग्ज़ाम हुआ और जब भी एग्ज़ाम होता है तो अलर्ट जारी होता है कि एग्ज़ाम से पहले जो है जो भी इस तरीके से धांधली होती है उस पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन किस तरीके से ये मैसेज को एग्ज़ाम से पूर्व जो है फॉरवर्ड किया जा रहा है इस बात का जीता जागता
उदाहरण है, ये बक्सर का स्टडी ग्रुप है। अब इसका ग्रुप एडमिन जो भी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी इस तरीके से मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं उस पर तो विशेष कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी जिस प्रकार लड़की गलती की है, देर आकर उस गलती आप ना करिए, हो सकता है हम लोग यहाँ पर थे इसलिए उसको एंट्री मिल गई डीओ साहब से बात करने के बाद, लेकिन आप अगर घर से देर आते हैं तो कृपया आप आधा घंटा पहले निकलिए और एग्ज़ाम में आए, बिल्कुल सुचारू रूप से एग्ज़ाम दें। मैं नरेंद्र बसंत हूँ और मेरे कैमरे पर साथी हैं हरेंद्र बसंत जी, आप दैनिक पर देख रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद।